जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो सबसे पहले अपने को देखना है कि एनिमल्स के अंदर, ठीक है, एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो एनिमल्स के अंदर टिश्यू चार टाइप के होते हैं। एक होगा कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू होगा, एक कनेक्टिव टिश्यू होगा, एक मस्कुलर टिश्यू होगा, एक न्यूरल टिश्यू होगा। देखिए अब यहां पे एक बात देखिए, मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं कि मसल कितने टाइप की होती है, मसल में क्या होता है वो सब। और न्यूरल टिश्यू के बारे में हम नर्वस सिस्टम जो अपना चैप्टर है ना, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेसिकली इस वाले चैप्टर में अपने को डिटेल में कौन से पढ़ने हैं, एपिथीलियल पढ़ना है और कनेक्टिव पढ़ना है। तो पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसके पास, एपिथीलियल टिश्यू के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या लिखा हुआ है, हैज अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये कोई इंसान है, ये कोई इंसान है, ये इसका हाथ है, मान लो ये इसका हाथ बना देता हूँ। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू मान लो यहाँ पे है, अब वो फ्री सरफेस है, यानी या तो बाहर एनवायरनमेंट को फेस करेगा, यानी बॉडी के अंदर साइड जो फ्लूइड होगा उसको वो फेस करेगा। ठीक है, बेसिकली कवरिंग होती है। देखो एपी मतलब क्या होता है, ऊपर, है ना, तो बॉडी की कवरिंग एक तरीके से ये यूज होता है। ठीक है, तो क्या है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, वही बात यहां पे बताई गई है कि कवरिंग प्रोवाइड करता है, या फिर लाइनिंग बोल लो आप, लाइनिंग वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, दीज सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब क्या है, जो सेल होती है एपिथेलियल टिश्यू की, मान लो ये सेल है, ठीक है, तो क्या लिखा है, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कॉम्पैक्टली मतलब बहुत टाइटली पैक्ड है, इनमें जो इंटर सेलुलर स्पेस है वो बहुत कम होता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगी तो स्पेस अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का होता है। अब हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का होता है, तो एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देखो सिंपल सी बात है, अगर लेयर, है ना, सेल्स की लेयर अगर सिंगल हो, देखो मान लो ये सेल्स हैं और ये सिंगल लेयर है, है ना, एक ही लेयर है, तो उसको हम बोल देंगे सिंपल बोल देंगे। और कंपाउंड में क्या है, टू और मोर लेयर हो, मान लो ये एक लेयर होगी, इसके ऊपर एक और लेयर हो गई, ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर हो गई, ठीक है, तो क्या है, लेयर सिर्फ एक हो तो वो हो जाएगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और एक, है ना, दो या दो से ज्यादा लेयर हो वो हो जाएगा अपना कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब बारी बारी से बात करेंगे, पहले सिंपल के बारे में फिर कंपाउंड के बारे में। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हम देखने वाले हैं जो कि तीन टाइप का होता है, कौन सा, एक होगा स्क्वेमस एपिथेलियम, एक क्यूबॉइडल होगा और एक क्या होगा, कोलुमनार होगा। तो ये बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सिंपल वाले में जो सेल की लेयर होगी वो सिर्फ एक होगी, है ना। अब सेल की लेयर तो एक है, पर सेल की शेप भी तो अलग अलग हो सकती है। जैसे स्क्वेमस की बात करें तो इसमें देखो सेल की शेप कैसी है, फ्लैट सेल है इसमें, बिल्कुल देखो ये देखो फ्लैट सेल दिखाई दे रही है। और क्यूबॉइडल में नाम में ही पता लग रहा है, क्यूबॉइडल यानी क्यूब लाइक, है ना, देखो ये क्यूब शेप है, क्यूब शेप है, ठीक है। और कोलुमनार में कॉलम जैसी सेल है, कॉलम जैसी यानी इनकी हाइट बहुत ज्यादा होगी, हाइट बहुत ज्यादा होगी और उनकी चौड़ाई थोड़ी कम है, हाइट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। बट यहाँ पे एक आपको पॉइंट याद रखना है, कोलुमनार में जो ये सेल्स होती हैं इनके न्यूक्लियस जो है इनके बेस पे प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस देखो बेस पे दिखाई दे रहा है अपने को, ठीक है, वो ये टॉल एंड सिलेंडर सेल है और न्यूक्लियस वो है अब बेस पे है। अब बात कर लेते हैं फंक्शन की, देखो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के तीन फंक्शन हो सकते हैं, तीन फंक्शन। एक तो क्या होगा, डिफ्यूजन, एक क्या होगा, एक इसका फंक्शन होगा डिफ्यूजन, एक इसका फंक्शन होगा सिक्रीशन, एक होगा सिक्रीशन और एक होगा अब्सॉर्प्शन, एक होगा अब्सॉर्प्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने तीन टाइप की सेल देखी, एक स्क्वेमस, एक क्यूबॉइडल, एक कोलुमनार, ठीक है। तो जो स्क्वेमस होती है ना वो क्या करती है, डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन परफॉर्म करती है, ये वाला डिफ्यूजन। और ये दो बच गई, क्यूबॉइडल और कोलुमनार, दोनों क्या करती हैं, सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन, दोनों क्या करती हैं, देखो ये सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन, और ये क्या करती है, डिफ्यूजन करती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो यहां पे लॉजिक की बात है, इनको याद करना नहीं है, अपने को लॉजिक से देखना है, खिचड़ी को एक बार मिटा लेते हैं, लॉजिक से देखना है। देखो मैंने अभी अभी बोला कि इसका फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन मान लो हो रही है, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो रही है। अब ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कहां पे होती है, देखो ब्लड वेसल, है ना, ब्लड के थ्रू ही तो होती है, ब्लड वेसल के थ्रू ही ऑक्सीजन की डिफ्यूजन होती है, तो वहां पे अपनी पाई जाएगी, है ना, क्या, स्क्वेमस एपिथेलियम। और क्या है, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कहां पे होती है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, है ना, लंग्स में जो एल्वियोल
धुलाई होती है, वहां से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तो वहां पे ये पाई जाएगी। सिंपल सी बात है, याद क्या किया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ये अपना क्यूबॉइडल और कोलुमनार का फंक्शन कैसे याद करें। देखो सिंपल सी मैं आपको इसमें बेसिक ट्रिक बताऊंगा। देखो क्यूबॉइडल जो होती है ना वो अपना यूरिनरी ट्रैक में पाई जाएगी, यूरिनरी ट्रैक, ये बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। और कोलुमनार जो होती है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में पाई जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में। यूरिनरी ट्रैक देखो यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन आपको दिखाई देगा, एक डक्ट ऑफ ग्लैंड भी याद रखना है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और ये कोलुमनार मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड होती है, तो देखो स्टमक में पाई जा रही है, इंटेस्टाइन में पाई जा रही है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये अपने को डिफ्यूजन से याद आ जाएगी, डिफ्यूजन यानी ऑक्सीजन का डिफ्यूजन याद रख लेना, एल्विओलाई में होता है, ब्लड वेसल के थ्रू होता है, ठीक है। और इसमें सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन होगा, यूरिनरी ट्रैक में पाई जाएगी और तो नेफ्रॉन में पाई जाएगी, ये डाइजेस्टिव में पाई जाएगी यानी स्टमक में, इंटेस्टाइन में ये अब पाई जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब फर्दर खिचड़ी को मिटा लेता हूं यहां से मैं। देखो अब मैं आपके सामने दो बातें करने जा रहा हूं, आगे दो बातें करने जा रहा हूं, और उन दोनों बातों के लिए स्क्वेमस के ऊपर बड़ा सारा काटा मार दो, स्क्वेमस के ऊपर बड़ा सारा काटा मार दो। वो दो बातें सिर्फ किसके रिलेटेड हैं, क्यूबॉइडल और कोलुमनार के रिलेटेड हैं। तो क्या बोला गया है कि अगर क्यूबॉइडल या फिर कोलुमनार सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, सीलिया प्रेजेंट हो, तो उसको बोल देते हैं क्या, सीलिएटेड एपिथीलियम बोल देते हैं, ठीक है। क्या है, क्यूबॉइडल या फिर कोलुमनार सेल पे सीलिया प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोल देते हैं, सीलिएटेड एपिथीलियम बोल देते हैं। और सीलिया का काम क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल ये अपनी बॉडी की लेयर है और ये सीलिया प्रेजेंट है, ये क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब सीलिया करती क्या, मान लो यहाँ कोई फ्लूड है, यहाँ कोई एंजाइम है, कोई सिक्रीशन है, अब सीलिया क्या करती है, देखो इसको फ्लूड को ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगी सीलिया, देखो सीलिया क्या करेगी, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगी और इस फ्लूड की मूवमेंट कराएगी, इस फ्लूड की मान लो इस डायरेक्शन में इसको भेज देगी, तो यही फंक्शन होता है, मूव्स पार्टिकल एंड म्यूकस, ठीक है, ये सीलिया का फंक्शन होता है। अब ये पाई कहाँ जाती है, ब्रोंकियोल्स में, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, यहाँ तक अपना ये सीलिएटेड वाला खत्म हो रहा है। अब नीचे बात की गई है, मैंने क्या बोला था, दो बातें बताऊंगा जिसमें अपने को है स्क्वेमस की बात नहीं करनी है, सिर्फ इन दोनों की बात करनी है। तो पहली बात तो ये होगी सीलिएटेड वाली, दूसरी बात बताने जा रहा हूँ ग्लैंडुलर वाली। देखो अगर क्यूबॉइडल या फिर कोल्यूमनार स्पेशलाइज्ड हो जाएं किसके लिए, सिक्रीशन के लिए, स्पेशलाइज्ड हो जाएं किसके लिए, सिक्रीशन के लिए, तो उनको बोल दिया जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखो नाम में आ रहा है ग्लैंड, ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीशन ही तो करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मान लो ऐसा हो गया सिर्फ एक सेल है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और क्या है, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टीसेलुलर मतलब सेल का गुच्छा बन जाएगा, सेल का गुच्छा यानी क्लस्टर बन जाएगा, ठीक है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, गोबलेट सेल, यूनिसेलुलर का एग्जांपल है गोबलेट सेल, और मल्टीसेलुलर का एग्जांपल क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, सिर्फ एक सेल है, आइसोलेटेड सेल है, मल्टीसेलुलर यानी क्लस्टर ऑफ सेल यानी सेल का गुच्छा बन जाएगा। एग्जांपल इसका गोबलेट सेल है यूनिसेलुलर का, मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। हम बात करते हैं हम कंपाउंड एपिथेलियम की। देखो याद करो हमने क्या पढ़ा था, एक थी सिंपल और एक थी क्या, कंपाउंड थी, जिसमें है ना मल्टी लेयर आ रही थी। सिंपल हमने देख लिया कि तीन टाइप की होती है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो हमने सिंपल की बात की थी कि सिंपल एपिथेलियम के तीन फंक्शन होते हैं, एक डिफ्यूजन, एक सिक्रीशन, एक अब्सॉर्प्शन। बट कंपाउंड एपिथेलियम के फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन पहली बात हो गई है ना, स्ट्रेस के अगेंस्ट पहला पॉइंट हो गया। दूसरा मल्टी लेयर होती है, ये तो हम बात कर चुके हैं कि सिंपल क्या था, एक लेयर थी और कंपाउंड में मल्टी लेयर थी, ये भी बात हम कर चुके हैं। ये कहां पे पाई जाती है, बक्कल कैविटी, फेरिंग से सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स में पाई जाती है, तीसरी बात हो गई, इससे ज्यादा आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेल जंक्शन की बात कर रहे हैं। देखो सेल जंक्शन अपने पास तीन टाइप के पाए जाएंगे, कौन से, टाइट जंक्शन, एदरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन, ठीक है। अब इनको याद कैसे करें, देखो टी ली देखो टी और ली है ना, दोनों सेम वर्ड लग रहे हैं, टी ली, ठीक है। अब टी से अपने को क्या याद आएगा, LEA यानी लीकिंग याद आएगा, यानी ये लीकिंग को स्टॉप करता है। नेक्स्ट याद रखना A4 अंबुजा सीमेंट याद रखना, A4 अंबुजा सीमेंट ये सीमेंटिंग परफॉर्म करता है। नेक्स्ट गैप क्या है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, गैप यानी गैप है, ठीक है। मान लो ये दीवार है और इसमें यहाँ पे ये गैप है,
यहाँ पे ये गैप है, तो गैप किस लिए है कि किसी चीज का ट्रांसफर हो पाए, है ना, किस चीज का ट्रांसफर करना है, आयंस का ट्रांसफर हो पाए, मॉलिक्यूल्स का। अब मॉलिक्यूल्स छोटे तो ट्रांसफर होते ही होते हैं, पर कई बार क्या है समटाइम्स बड़े मॉलिक्यूल भी ट्रांसफर होते हैं। एनसीईआरटी में जैसे लिखा हुआ है मैंने भी वही लैंग्वेज यहाँ पे यूज की है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या खत्म हो गया, एपिथीलियल टिश्यू खत्म हो गया। याद कीजिए एक बार फिर से, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ हम कैसे कर रहे थे फ्लो अपना। देखिए अपने को क्या है, एपिथीलियल टिश्यू खत्म हो चुका है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने वाले हैं। ये अपना मसल वाले में है, ये न्यूरल वाले में है, उसी के चैप्टर में होगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू देखो नाम से ही पता लग रहा है कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता लग रहा है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये क्या करता है, ये लिंकिंग करता है ना, जोड़ता है, जोड़ता है, नाम से पता लग रहा है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्शन बनाता है दो चीजों के बीच। ठीक है, और चीजें कौन सी होंगी, टिश्यू या ऑर्गन, वही तो सब होंगे बॉडी में। अब बॉडी में टेबल कुर्सी तो होंगी नहीं, वही तो होंगी। ठीक है, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। देखो अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन से टिश्यू का वेट, वजन सबसे ज्यादा होता है, तो मसल वाले टिश्यू का वजन सबसे ज्यादा होता है। बट अगर पूछ लिया जाए कि मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी, तो आंसर क्या जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू में एक्सेप्ट ब्लड क्या होते हैं, सेल सीक्रेट फाइबर। देखो क्या है, बेसिकली क्या है, अगर खाली हम ब्लड को छोड़ दें, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, खाली अगर हम ब्लड को छोड़ दें तो बाकी के सारे कनेक्टिव टिश्यू में क्या पाए जाएंगे, अपने फाइबर्स पाए जाएंगे। और फाइबर्स कौन से होते हैं, कोलेजन होते हैं, इलास्टिन होते हैं। ठीक है, अब देखो कोलेजन है, इलास्टिन है, तो फाइबर्स करते क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ है ना, और इलास्टिन है यानी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और कोलेजन तो हमेशा स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स ये छोड़ दो, अभी ये आगे अपने आप क्लियर हो जाएगा आपका। देखो अब कनेक्टिव टिश्यू को आप तीन टाइप में डिवाइड कर दो, एक होंगे कौन से, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, एक होता है एरियोलर, एक एडिपोस होता है। डेंस में रेगुलर हो जाएंगे, इररेगुलर हो जाएंगे, है ना, स्पेशलाइज्ड में क्या हो जाएंगे, ब्लड बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, अब बारी बारी से बात करेंगे, पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। देखो नाम में आ रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब क्या है, इसमें सेल्स और फाइबर्स जो हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, इसीलिए इसको लूज बोला गया है। और इसका ग्राउंड सब्सटेंस कैसा होता है, सेमी फ्लूड होता है ना, पूरे तरीके से सॉलिड नहीं है, पूरे तरीके से लिक्विड नहीं है, सेमी फ्लूड है, जेली जैसा। ठीक है, अब इसमें अपने को दो पढ़ने हैं, कौन सा, एक एरियोलर, एक एडिपोस। देखो कुछ चीजें इनमें कंफ्यूज क्या करेंगी, जैसे दोनों में ही क्या है, बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या है, यहां पे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फैट की स्टोरेज के लिए कौन सा यूज होता है, फैट की स्टोरेज के लिए, तो वहां पे आपका आंसर जाएगा एडिपोस जाएगा, एरियोलर नहीं जाएगा। ठीक है, फैट की स्टोरेज के लिए, ये आपको यहां पे याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के, बात कर रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, डेंस रेगुलर भी हो सकता है, इररेगुलर भी हो सकता है। ठीक है, अब नाम से ही पता लग रहा है रेगुलर कैसे होगा। देखो अगर मान लो ये फाइबर हैं, अगर ये बिल्कुल पैटर्न में ऐसे पैरेलली अरेंज हो, ऐसे देखो रेगुलर बिल्कुल पैटर्न में अरेंज है, तो ये हो जाएगा डेंस रेगुलर। और इररेगुलर में मतलब देखो ये फाइबर हैं, कोई ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है, इररेगुलरली पड़े हैं, तो ये हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, डेंस इररेगुलर हो जाएगा। वही बातें यहाँ पे ली है, पैरेलल बंडल में अरेंज है, और यहाँ पे क्या है, अरेंज ओरिएंटेड डिफरेंटली, इधर उधर ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, अब बात यह है कि डेंस रेगुलर प्रेजेंट कहाँ होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, टेंडन्स में एंड लिगामेंट्स में, टेंडन्स में एंड लिगामेंट में, और ये स्किन रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि टेंडन जो है वो मसल को बोन से जोड़ता है, और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो टेंडन है वो क्या है, मसल को बोन से जोड़ता है, और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ती है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले स्पेशलाइज्ड के बारे में बात करेंगे। देखिए स्पेशलाइज्ड के बारे में अपने को यहाँ पे बोन पढ़नी है और कार्टिलेज पढ़नी है। ब्लड वाला तो अपना जो चैप्टर है ना, कौन सा, बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन, ब्लड के बारे में हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं ना, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और वो सब, प्लाज्मा सब डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कार्टिलेज। देखो कार्टिलेज और बोन को मैं थोड़ा रिलेट करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले यहाँ पे नोन लिख लो, नोन क्यों लिख लो, वो भी बताऊंगा। ठीक है,
तो इन दोनों को रिलेट करके पढ़ाऊंगा। देखो जो कार्टिलेज की सेल्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, कोंड्रोसाइट बोला जाता है। देखो कोंड्रो वर्ड ही कार्टिलेज से आया, कोंड्रोसाइट बोला जाता है। और जो बोन्स की जो सेल होती है उनको ओस्टियोसाइट बोला जाता है ना, आपने सुना भी होगा ओस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन के रिलेटेड वो बीमारी है। तो ओस्टियो वर्ड जो है वो किसके है, बोन के रिलेटेड होता है। तो साइट मतलब क्या होता है, सेल, ओस्टियो मतलब बोन, तो ये हो गई अपनी बोन की सेल्स होगी और ये क्या हो गई अपनी कार्टिलेज की सेल होगी। ठीक है, अब देखो कार्टिलेज का जो इंटरसेलुलर मटेरियल है वो सॉलिड है और प्लायबल है। प्लायबल मतलब है ना, थोड़ा सा आप दबाओगे तो दब जाएगा, जैसे रबड़ होती है ना अपनी, वो मिटाने वाली रबड़ होती है, दबाओगे तो थोड़ा दब जाएगा। जबकि बोन की बात करें तो इसका ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो हार्ड है ना, बोन हड्डियां सबकी हार्ड होती है, ये तो आपको पता ही है। नॉन प्लायबल है मतलब हड्डी को आप दबाओगे तो वो नहीं दबेगी है ना, इतनी हार्ड होती है हड्डी। ठीक है, और क्या है, सबको पता है कि बोन रिच इन कैल्शियम एंड कोलेजन है ना, कैल्शियम बहुत सारा होता है हड्डियां, बोलते हैं ना कि कैल्शियम खाओ हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, वो बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बात लिखी गई है, देखो जब एम्ब्रियो होता है ना तो एम्ब्रियो में मोस्टली जो स्केल्टन होता है वो कार्टिलेज का होता है, पर जैसे जैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो बड़ा होता जाता है तो क्या है, कार्टिलेज जो है वो बोन से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, कार्टिलेज क्या है, बोन में कन्वर्ट होते जाएंगे जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाएगा ना, बच्चा एम्ब्रियो से आगे डेवलपमेंट होती जाएगी। अब कार्टिलेज कहां कहां प्रेजेंट होता है, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद करें तो टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर है ना, और क्या है, जॉइंट बिटवीन क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स में और हैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। कोंड्रोब्लास्ट इसको छोड़ दो, आपके काम की इतनी कोई चीज नहीं है। इधर बात करें बोन की, देखो इसमें आप एक बात रफ डायग्राम से याद रखना कि एक स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्यूना बोलते हैं, और लैक्यूना एक स्पेस है और इसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, बोन सेल। बोन सेल मतलब है इसके अंदर ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होती है ना, तो ये आपको याद रखनी है। वही चीज है कि लैक्यूना एक स्पेस होता है जिसके अंदर ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होती है, इस रफ डायग्राम से ये याद रख लेना। और क्या है, बोन्स जो हड्डियां हैं वो अपने को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है, मतलब हमारे शरीर से हड्डियां निकल जाएं तो सोच सकते हो आप हमारी बॉडी कैसे है ना।